कर्मचारी हितों का हवाला देकर श्रमिकों के लिए संघर्ष कर रहे प्लाईवुड कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी आमने सामने आ गए हैं। प्लाईवुड कर्मचारी संगठन के उपाध्यक्ष एवं प्लाईवुड फैक्ट्री में सुपरवाइजर पद पर रहे ओम प्रकाश जायसवाल ने संगठन के मंत्री आर्य बंधु आर्य सहित अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि बुधवार को 23 मार्च को प्लाईवुड कर्मचारी संगठन के मंत्री आर्य बंधु आर्य ने फैक्ट्री पर अवैध रूप से जेसीबी मशीन से मशीनों व भूमि की खुदाई करने का आरोप ओम प्रकाश जायसवाल सहित कुल 4 लोगों पर लगाया है। उन्होंने संबंध में कोतवाली देहात में नामजद तहरीर भी दी थी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए खुदाई कार्य रुकवा दिया था। मामले को लेकर आर्य बंधु ने 25 मार्च से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन की चेतावनी भी दी है। गुरुवार को संगठन के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए, उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। फैक्ट्री पर नाजायज कब्जा करार कर उनसे अवैध वसूली का आरोप आर्य बंधु आर्य पर लगाते हुए ओम प्रकाश ने आई इंडिया को बताया। मेरा नाम ओम प्रकाश जायसवाल है। मैं सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री में सुपरवाइजर पद पर कार्य करता था और मैं वहाँ का यूनियन का उपाध्यक्ष था। और मेरा ये फैक्ट्री किसी कारणों से 1998 में बंद हो गई। अब बंद होने के बद इसमें संगठन के आर मंत्री ने जो इन्होंने काफ़ी गड़बड़ किया, इसमें घोटाला किया, मालिक को परेशान किया, उनसे पैसा लिया और फैक्ट्री के अंदर तमाम तरह की चोरियां किसी तरह करवाई। इन्होंने फैक्ट्री का माल बेचा, 55 ट्रक करीब खोही का बना हुआ माल इन्होंने बेच दिया है। और जब हम लोग कोई बात कहते हैं तो ये उल्टी सीधी बात करता है, जान से मारने की धमकी देता है। तो हम लोग मालिक से एक समझौता किए हैं अभी हम डीएम माध्यम से कि हम लोगों को मानवता के आधार पर हम लोगों को पैसा दे दिया जाए। तो वो समझौता हमारा मान्य हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पैसा दिलाया वर्करों को, वर्कर से दस्तखत कराए थे सबसे, हर आदमी वर्कर ने दस्तखत किया था और सबको 10,000 रुपया टोकन पेमेंट और 39 लोगों को पूर्ण भुगतान बकाया का पेमेंट किया गया। लेकिन आर्य बंधु को ये बात अच्छी नहीं लगी, अच्छी न लगे होने के तमाम विवाद इसने पैदा कर दिया। इससे पहले 2005 में भी समझौता किया था लेकिन उस समझौते को फिर नकार किया। तब हमारा 1,20,00,000 रुपये का समझौता था, अब हमारा 2,40,00,000 का समझौता है। लेकिन इसको 60,00,000 रुपया घूस न मिलने के कारण ये समझौता नहीं मानता है और बार बार और वहाँ पे जो प्लाईवुड फैक्ट्री की ज़मीन है रोड के दोनों तरफ वहाँ पे नाजायज तमाम तरह के आदमी कब्जा कर रखे हैं। अपना कोई डेयरी दूध की डेयरी चलाता है, कोई सर्विस स्टेशन चलाता है, कोई टायर पंचर वाला है, कोई ड्रम वाला है, कोई मतलब बाल बनाने वाला है, कोई मीट वाला है, इस तरह के सब धंधा कर रहे हैं और उनसे ये हजारों रुपया महीना वसूल करता है। इसलिए इसको बहुत बुरा लगा, ये काम नहीं होना चाहिए। ज़मीन भी हमारा समझौता ज़मीन बेच करके पैसा देना है। जब हमारी ज़मीन ही खाली नहीं होगी, ज़मीन नहीं बिकेगी तो हम लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा। बस ये मेरा निवेदन है कि ज़मीन बेच करके हमको पैसा दिलाया जाए, ये हमारा ज़मीन खाली कर दी जाए बिल्कुल, जिससे हमारी ज़मीन बिक सके और सारे मजदूरों का भुगतान हो सके। बीच में जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं उनके नाम के, हाँ, जो वो हमारे संगठन के मंत्री आर्य बंधु आ रहे हैं, लेकिन 1998 के बाद ये इसका रजिस्ट्रेशन का कोई रिन्यूअल ही नहीं हुआ, इसलिए यूनियन ये नाजायज है। कानपुर में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार है, वहाँ से इनके पास लिख के आया था कि आपने आज तक कोई यूनियन का रिन्यूअल नहीं कराया, इसलिए आपकी यूनियन समाप्त क्यों न कर दी जाए। और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बंद फैक्ट्री में कोई यूनियन नहीं होती है, तो इसलिए यूनियन भी तुम्हारी नहीं होना चाहिए। तो इनसे जवाब मांगा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश जायसवाल है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।